Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all my interesting videos timely. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ैन इब्राहिम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जीजी कंडीशंस एंड मेडिकोस चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर के एमडी कैट से रिलेटेड एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि If both temperature and volume of a gas are doubled, then the pressure, के अगर temperature और volume को double कर दिया जाए दोनों को तो pressure पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए यहाँ solve करते हैं इसको। तो हमें पता है कि according to general gas equation क्या होता है, PV is equal to nRT। pressure को volume को इधर divide करेंगे और pressure निकालने के लिए। तो अगर हम temperature और volume दोनों को double कर दें तो ये cancel out हो जाते हैं और इसलिए वजह से जो pressure है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन आएगा, रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ गैस इनिशियली एट 27 डिग्री सी इज हीटेड अप टू 327 डिग्री सी, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर पहला जो गिवन है वो 27 डिग्री सी, इसको केल्विन में करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, दूसरा टेम्परेचर 327 डिग्री सी है तो ये 600 केल्विन बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डबल हो रहा है वैल्यू, तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल होगी। तो इसके मतलब ये अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 3 ATM एंड 27 डिग्री सी इज ट्रांसफर्ड इनटू कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 327 डिग्री सी, प्रेशर इन न्यू कंटेनर विल बी। तो सबसे पहले हम जो गिवन डाटा होता है उसको पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये गिवन डाटा जो है उसको नोट कर लिया, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। जो हमें गिवन फार्मूला में जो गिवन डाटा था वो हमने पुट किया, 300 से गया और ये 300 कट गया और ये 2 बच गया सिर्फ 2 ATM। तो इसका मतलब सिर्फ ये अल्फा ऑप्शन बचती है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डबल्ड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है PM/RT। अब चूंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डबल कर दिए गए हैं तो इस वजह से ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये डी ऑप्शन सेम होगा डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट देन द अदर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। तो इसमें देखा जाए तो वो फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इस वजह से जो है वो बीटा ऑप्शन राइट आएगा। अगर वो आपसे ऑर्डर पूछ ले तो सबसे पहला HF के आएगा, उसके बाद पानी के आएगा, उसके बाद जो है वो अमोनिया के आता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ करते हैं, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस एट कॉर्नर, तो वो कितने होंगे क्लोराइड आयंस। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक बात याद रखनी कि NaCl जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है, तो इसके कॉर्नर्स पे 8 जो है क्लोराइड आयंस होते हैं और वो 8 से ही शेयर होंगे, तो इस वजह से 1/8 × 8 वन क्लोराइड आयंस कॉर्नर पे, 1 क्लोराइड आयंस होंगे। जबकि फेसिस पर बात करें, अगर वो फेसिस का पूछ ले तो 6 होते हैं क्लोराइड आयंस और जो कि 2 पे शेयर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 3 क्लोराइड बनेंगे और ओवरऑल 4 क्लोराइड आयंस बनेंगे। और इसके बाद अगर वो सोडियम का पूछ ले, एजिस पे 12 होते हैं सोडियम आयंस जो कि 4 पे शेयर होंगे, वो 3Na+ बन जाएंगे एजिस पे। और सेंटर में पूछ ले तो वो 1 ही होता है और 1 पे शेयर होता है, वो 1Na+ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ लोएस्ट वेपर प्रेशर, तो इनमें से किसका सबसे कम वेपर प्रेशर। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमें पता है कि वाटर में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा और वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट MCQ करते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.0112 मीटर क्यूब ऑफ मिथेन एट 0 डिग्री सी एंड प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम 0.0112 मीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब में 11.2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। STP पे हमें पता है कि वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो ये उसके हाफ हो गया है, ठीक है। अब हमने हाफ पे जाना है, हमें STP पता है कि 6.0 to 6.23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो ये
मॉलिक्यूल्स भी जो है वो डेफिनेटली हाफ हो जाएंगे. तो 3.01 एक्सपोनेंट 23, तो डी ऑप्शन राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें बॉइलिंग पॉइंट का पता लगता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जैसे कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो गई, डायपोडबल फोर्सेस हो गई, तो ये सारी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं. ब्यूटेन में मौजूद होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और प्रोपानॉल में होती हैं डायपोडबल फोर्सेस, और प्रोपानॉल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो एक स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है ऑर्डर, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा डायपोडबल फोर्सेस की होती है, और उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा. तो इसका मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ब्यूटेन पहले आएगा, और डायपोडबल फोर्सेस जो है प्रोपानॉल उसके बाद, और प्रोपानॉल सबसे एंड पे. तो इसका राइट आंसर अल्फा होगा, ब्यूटेन उससे ज़्यादा प्रोपानॉल, उससे ज़्यादा प्रोपानॉल. तो दोस्तों आज मैंने आपसे डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ मैटर के एमडीकैट के हवाले से प्रैक्टिस एमसीक्यूज. अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.